व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ आह्वानित किया जा रहा है। 2017 के पहले नगरों में शोरों का आतंक होता था, आज नगरों में सेफ सिटी के रूप में नगर बन रहे हैं। 2017 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन यूपी का मिशन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन यूपी का मिशन, और यूपी का मिशन है तो हम सबको तय करना। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास की और बुनियादी सुविधाओं के जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, एकता एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए, हमारे व्यवसायियों की ज्यादा क्या भी रंगदारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए, हमारे नगरों में शोहरों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने, हमारे नगरों में गंदगी का ढेर दिखाई देना चाहिए या फिर हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो, ये तय करने की आज हम सब आपके बीच आए हैं। सप्ताह के पहले नगर गंदगी के ढेर में दिखाई देते थे, नगरों में शोरों का आतंक था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और एक पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, भय और बसत का माहौल पैदा करते थे। लेकिन भाइयों बहनों 6 वर्ष के अंदर परिवर्तन आया, आज तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। आज रंगदारी नहीं, आज व्यापारियों को स्वनिधि दी जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना, आज शोरों का आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर बन रहे हैं और आज नगरों में गंदगी का ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे शहर बनते जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आप सब सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, हम सबको तय करना भाजपा की एक ही युक्ति और हमारे जनता और हमारा प्रदेश हो माफियाओं से मुक्ति, माफिया से मुक्ति आज प्रदेश को हो चुकी है और उसी के लिए आह्वान करने के आया हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा उसका लाभ हर शहरवासी हर नगरवासी को प्राप्त हो। एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य करके जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है, बेहतर वातावरण 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, एक गरीब एक शरीफ एक व्यापारी किसी प्रकार से इज्जत बचाकर के चलता, एक अपराधी एक माफिया तंत्र के चलता था, पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था, कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है, आज एक गरीब एक व्यापारी एक नौजवान एक खेती गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है, ये है परिवर्तन। अब उसकी जरूरत नहीं कि वो कहीं तंग करके चल सके, उसके लिए सड़क खाली कोई करने कब गुस्सा
कानून है, सभागार की खाली होगी तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए अब सड़क को खाली नहीं करवाना चाहता, सड़क पे टंकर के चल भी नहीं सकता है। अगर सड़क से चलेगा तो तकली लटका करके चलेगा कि थोड़ा मुझे जान बक्स बकस दो, अब ठेला लगा करके सब्जी बेच करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन किसी से रंगदारी वसूली नहीं करूंगा। परिवर्तन हुआ है, हमारे परिवर्तन हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, हमारे व्यापारियों के व्यवसाय के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, और इसीलिए इसको करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हमारे पारा नगर निकाय है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, जो शहर की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अकेले उन्नाव जनपद में जो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र है, 22,241 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया, 22,241। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। हम प्रदेश में 1 करोड़ ग्रासित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, और आपके उन्नाव में 6,875 निराश्रित महिलाओं को, 6,286 दिव्यांगजनों को, और 7,764 वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 52,082 परिवारों के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड आपके जिले में बन चुका है। भाइयों बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सेवी समूह का कार्य हो, चाहे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में अचलगंज का नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है, 3 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का कार्य हुआ है, उन्नाव में अमृत स्टेट सेक्टर मिशन के अंतर्गत 359 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं, और काना उपवन का निर्माण का कार्य भी यहां पर हुआ है, 14 नगर निकायों में देश के स्तर के निर्माण का कार्य, और 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पंचायत योजना में इन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े। इसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। भाई बरेली के अंदर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले रायबरेली नगर के अंदर, रायबरेली के अंदर जो नगर निकाय हैं, इन नगर निकायों में 9,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, हर आवास पे 2,50,000 रुपया उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आप देखिए कितना अंतर आता है। पहले ठेला खोचा रेडी लगाने वाले जो व्यापारी होते थे, इनसे वसूली की जाती थी, वह वसूली होती थी, आप उनको स्वनिधि दी जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है, और 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया गया। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिनमें निराश्रित महिला पेंशन 1,681, दिव्यांगजन पेंशन 596 और वृद्धावस्था पेंशन 1,992 आपके रायबरेली का उपलब्ध कराई जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के 2,20,000 से भी कार्ड धारक, यानी गोल्डन कार्ड इन परिवारों को उपलब्ध करवाया गया है, और प्रदेश के अंदर हर इस जनपद के अंदर
नगर निकाय से जुड़े हुए हर योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी, चाहे वह मुख्यमंत्री नगर सिंचन योजना जिसमें नगर पंचायत शिवगढ़ का सृजन हुआ और 3 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार का कार्य भी यहां पर हुआ। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का गठन हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत रायबरेली के अंदर 5 परियोजनाओं के लिए 283 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।